सुनील शेट्टी की कौन सी रीमेक फिल्म कर सकते हैं उनके बेटे अहान? क्या बलवान 2 की कहानी ओरिजिनल से जुड़ी होगी? क्या फिर से देखने को मिलेगा 90s के दशक वाला पुलिस और गुंडों का एक्शन? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैंड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। आज हम बात करने वाले हैं 90s की हिट फिल्म बलवान और उसके रीमेक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बलवान 1992 की एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया था दीपक आनंद ने, और ये फिल्म सुनील शेट्टी के करियर की डेब्यू फिल्म थी। ये फिल्म सुनील के लिए काफी अहम थी और इसी फिल्म से उन्होंने अपने आप को और अपनी स्किल्स को प्रूव किया था। इस एक्शन फिल्म के उनके सभी ही स्टंट्स उन्होंने खुद किए थे। बलवान फिल्म में अर्जुन यानी कि सुनील शेट्टी एक ईमानदार और काबिल पुलिस इंस्पेक्टर थे जो अपनी छोटी सी फैमिली और गर्लफ्रेंड दिव्या भारती के साथ खुश थे। लेकिन जब वो एक छोटे से गांव में जाता है जहां भाई जी डैनी डेंजपा और उनके आदमियों की चलती है और जिसने अगले पुलिस वाले को मार डाला था, तब फिल्म ओरिजिनली स्टार्ट होती है। भाई जी अर्जुन और उसके परिवार को मारने की कोशिश करता है। इस फिल्म में हमें पुलिस और गुंडों के बीच का एक एक्शन देखने को मिलता है जो 80s और 90s की काफी सारे हिट फिल्मों में एक कॉमन फैक्टर रहा था। बलवान फिल्म के एंड में हमने ये देखा था कि भाई जी अर्जुन के परिवार को मार देता है और अर्जुन को एक झूठे खून के इल्जाम में फंसा देते हैं और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। बलवान फिल्म का अगर रीमेक बनता है तो फिल्म को ओरिजिनल फिल्म के साथ कनेक्ट किया जा सकता है जिसमें अर्जुन जेल से छुटकर आता है और अपने परिवार की मौत का बदला लेता है। अगर ऐसा होता है तो हम एक बार फिर से 90s के वक्त वाला पुलिस और गुंडों का एक्शन देख सकते हैं। अगर फिल्म की कहानी को ओरिजिनल स्टोरी से ना जोड़ा जाए और कुछ और नई मॉडर्न कहानी लाई जाए तो ये भी पॉसिबल है कि किसी यंग एक्टर को लिया जा सकता है फिल्म में। सुनील शेट्टी के बेटे अहान ने हाल ही में तड़प फिल्म से अपना डेब्यू किया है। आहान अपने पिता की तरह एक्शन और एक्टिंग दोनों में ही उम्दा हैं और वो अपने पिता की डेब्यू फिल्म के रीमेक में लीड एक्टर के तौर पर एक बेहतरीन चॉइस हो सकते हैं। जैसे कि टाइगर ने जैकी श्रॉफ की डेब्यू फिल्म हीरो के रीमेक में अपना डेब्यू किया था। बलवान के साथ साथ सुनील शेट्टी की और भी ऐसी एक्शन थ्रिलर फिल्में हैं जैसे कि मोहरा या फिर विनाशक के रीमेक में भी आहान दिख सकते हैं। मोहरा उस वक्त की एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई जिसमें एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस और ड्रामा सब कुछ था, और विनाशक फिल्म भी सुनील शेट्टी के करियर की बहुत बड़ी फिल्म थी। ये फिल्म बहुत सारे एक्शन सीक्वेंस से भरी हुई है और अहान ऐसे भारी एक्शन के लिए तैयार हैं। अब देखना ये है कि वो अपने पिता की कौन सी एक्शन फिल्म के रीमेक में दिखाई देते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। क्या आप बलवान के रीमेक में अहान शेट्टी को देखना पसंद करेंगे? ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।